हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले कुछ समय से इंडिया का बस एक मोटिव है और वह है हर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और यूज करना। ऐसा करने से इंडिया अपने नंबर ऑफ इम्पोर्ट्स को कम करके नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहता है और कहीं ना कहीं इंडिया अपने इस मोटिव में एक अच्छे लेवल पर सक्सेसफुल भी हो रहा है। और इसी के चलते एक ऐसी खबर आई है जिसमें यह पता चला है कि इंडियन एयरफोर्स कुछ लोगों का एक ऐसा स्पेशल ग्रुप क्रिएट कर रही है जो IAF के अनमैंड एरियल व्हीकल्स को ऑपरेट करने में स्पेशलाइज्ड हो। यह खबर डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी एविएशन लेफ्टिनेंट जनरल AK सूरी ने ट्यूसडे यानी 13 सितंबर को बताई। इसके साथ इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिशियल ने यह भी बताया कि एक इंडिजिनस अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को डिवेलप करने का प्रपोजल भी टेकअप किया गया है। हालांकि अलग अलग स्टेट्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिजिनस सिविल ड्रोन इंडस्ट्री को एक फास्ट रेट पर अडॉप्ट कर रही है, पर मिलिट्री ड्रोन फिर भी दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाए जा रहे हैं। सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के ऑर्गेनाइज्ड UAVs के एक सेमिनार में लेफ्टिनेंट जनरल सूरी ने यह भी कहा कि अनमैंड व्हीकल्स को ऑपरेट करने की इस स्पेशलाइज्ड टीम में ऑपरेटर्स इन टर्म्स ऑफ पायलटिंग शामिल होंगे और इनकी मदद से हेलीकॉप्टर्स पायलट्स का लोड कम हो जाएगा। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल सूरी ने यह भी कहा कि इंडियन आर्मी लगभग पिछले दो डेकेड्स यानी पिछले 20 सालों से अनमैंड एरियल व्हीकल्स यूज कर रही है और प्राइमरली UAVs का यूज नदरन और वेस्टर्न बॉर्डर्स में सर्वेलेंस के लिए हुआ है। सर्वेलेंस का एक सिग्निफिकेंट पार्ट UAVs की मदद से कैरी आउट किया जाता है। ऑफिशियल ने यह भी बताया कि करंटली यह प्रपोजल आर्मी हेडक्वार्टर्स में है। आर्मी हेडक्वार्टर्स से क्लियरेंस मिलने के बाद इसको अप्रूवल के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री भेज दिया जाएगा। इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स ने सेपरेट अनमैंड एरियल व्हीकल्स की स्पेशलाइज्ड टीम बनाने का एक सिमिलर प्रपोजल भी डिफेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल के लिए काफी टाइम से पेंडिंग है। अगर आर्मी के पास प्रेजेंट UAVs की बात करें तो अगस्त 2021 में आर्मी एविएशन को उन UAVs का कंट्रोल मिल गया था जो पहले आर्टिलरी में थे और अब करेंटली आर्मी ओवर 30 हीरोन UAVs को ऑपरेट करती है जो कि इजराइल से प्रोक्योर्ड है। बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करती है, उन्होंने कहा कि अनमैंड मार्केट की इंडिया में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसी के साथ एयर मार्शल रेडेश जो कि इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि 2026 तक इंडिया की अनमैंड मार्केट वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन सकती है। Thanks for watching and please like, share and subscribe our channel. And don't forget to press the bell icon so that you never miss a notification from us.